आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। एपी नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने सोमवार 30 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कहा, घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर ट्रायल में देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।